नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपको हार्डवेयर क्लास में लाया हूं। जैसा कि आपको पता ही है, स्क्रीन फिक्सर आपको सभी तरह के कोर्स देता है, चाहे वो ग्लास का कोर्स है, डिस्प्ले का कोर्स है, चाहे वो आईफोन हार्डवेयर का कोर्स है, एंड्रॉयड का कोर्स है, एंड्रॉयड हार्डवेयर का कोर्स है। तो ये सारे कोर्स हमारे पास कराए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेरे साथ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स पूरा हुआ है, उनके साथ आपको उनकी ही जुबानी बताते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है स्क्रीन फिक्सर में, और वो जो कोर्स करने आए थे उनका उस कोर्स के बारे में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनकी ही जुबानी आपको बताते हैं। मेरा नाम कृष्णा है, मैं मेरठ से आया हूँ। मेरा नाम अनमोल दीप है, मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर तो से। मेरे साथ हैं अनमोल। अनमोल कहाँ से आए हो आप? मैं होशियारपुर से आया हूँ, पंजाब होशियारपुर से। से। तो क्या करने आए थे यहाँ पे आप? हार्डवेयर सीखने, हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर? आईफोन का या एंड्रॉयड का? एंड्रॉयड हार्डवेयर। एंड्रॉयड का हार्डवेयर सीखने आए थे। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? मैं प्रमोटर था तो प्रमोटर थे, सैमसंग सैमसंग में प्रमोटर जी। थे। कोई आपने हैंड स्किल का कोई काम नहीं किया था, नहीं हार्डवेयर का कोई काम नहीं किया था, नहीं और इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फ्रेशियर थे आप। जी, तो फ्रेशियर थे, और आज कितने दिन हुए आपको? 1 मंथ हो गया पूरा। 1 महीने में क्या क्या कवर कर लिया 1 महीने में आपने? सब कुछ कवर किया है, मतलब मैं डबल टिकर कर लेता हूँ, सीपीयू रिवॉल्विंग सब कुछ, मतलब 5G नेटवर्क सारा कुछ तो ये आपने 1 महीने में कवर कर लिया। जी आप फ्रेशियर हैं, क्या बोल रहे हैं आप जो पूरे व्यूवर सुन रहे हैं? जी ये पॉसिबल है 1 महीने में? जी पॉसिबल है क्यों पॉसिबल है यहाँ पर? यहाँ पे, मतलब पढ़ाने का ढंग ही मतलब ऐसा है कि मतलब एक बार में हमें दूसरे बंदे को समझ आता आ जाता है। अच्छा, कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है आपकी? सुबह मैं 10 बजे से आता हूँ, पूरे शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आता हूँ। दिन की प्रैक्टिस होती पूरे है। तो दिन की दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरे दिन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कोई 25 से 30 दिन से ज़्यादा का कोई भी कोर्स नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के हमारे पर मैसेज आते हैं, सर 1 महीने में कैसे होगा? तो 1 महीने में अगर आप पूरे दिन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये पॉसिबल है। और अगर आपको स्क्रीन फिक्सर में आना है तो आप आ सकते हैं, कोई भी कोर्स के लिए आप आ सकते हैं। तो अनमोल आपसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आपने 1 महीने का कोर्स जो किया है उसका क्या ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस मानूँ मैं? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा यहाँ पे आके। यहाँ पे हमें मतलब जैसे कि वहाँ से यहाँ आके रहने का, रहना भी सब कुछ फ्री है यहाँ पे। अच्छा मतलब सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितने मार्क्स देंगे आप? 5 में से कितने मार्क्स देंगे? 5 में से 5 ही। 5 में से 5 देंगे। चलिए सर थैंक यू। एक और और हमारे स्टूडेंट हैं, जानते हैं इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या करने आए थे, जो करने आए थे वो इन्हें मिला है या नहीं? मेरा नाम कृष्णा है, मैं मेरठ से आया हूँ। मेरे को यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ही बताया था कि यहाँ पे हार्डवेयर का काम अच्छा सिखाया जाता है, अच्छा तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। और मेरे को बताया गया कि यहाँ पे आप रहना वगैरह सब फ्री मिलता है, फ्री भी है, और कोर्स सारा सिलेबस में पूरा था, 5G नेटवर्क, डबल डेकर, सीपीयू, आईसी, सारा काम अच्छे से था। तो मेरे को 30 दिन हो गए हैं, और पहले मैं सिर्फ डिस्प्ले वगैरह का काम करता था, फोल्डर जैक वगैरह लगाना। अब मैं सीपीयू भी कर लेता हूँ, डबल डेकर भी, नेटवर्क का भी, इशू का भी काम पूरा कर लेता हूँ। तो काफी अच्छा रहा 30 दिन में। तो कृष्णा मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा कि जो हमारे भाई आना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, क्या पढ़ाने का तरीका है, टूल्स वगैरह कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हुई हैं या नहीं हुई हैं, आपको मदरबोर्ड हमारी तरफ से मिले हैं या नहीं मिले हैं, वो ये थोड़ा सा आप फोकस। टूल्स का मैं बता दूँ, टूल्स यहाँ पे सारे जेन्युइन है, जो क्वालिटी उनकी बढ़िया है। पीपीटी कुछ भी चीज़ ले लो आप, सब में बेस्ट है। मतलब आप काम करोगे बढ़िया लगेगा। आयरन हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, और सिलेबस भी बढ़िया है। और क्या कहते हैं, आप आओ, 30 दिन का इनका कोर्स है, इनका पढ़ाने का तरीका भी बढ़िया है। जिन्होंने हमें पढ़ाया, कृष्णा सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो भी डाउट होते हैं डेली क्लियर कर रहे हैं, पूछते भी थे, सपोर्ट अच्छा है। तो आपको यहाँ पर जो सेटअप मिला है वो आपको इंडिविजुअल सेटअप मिला है या ऐसा किया है कि एक बंदा काम कर रहा है, आप खड़े होकर देख रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर है? नहीं, इंडिविजुअल सब सेटअप मिला है, अपना सबका अपना अपना सेटअप है, कोई डिस्टरबेंस कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और किस? बोर्ड वगैरह भी हमको मिले हैं, डबल डेकर के अलग बोर्ड मिले हैं, सिंपल बोर्ड अलग मिले हैं, नेटवर्क के इशू के लिए अलग मिले हैं, मतलब सब बोर्ड हमें मिले हैं।
जानकारी पूरी मिली है अभी तक, और तो लाइफ आगे तक का भी सपोर्ट है इनका, मतलब लाइफ टाइम, मतलब कोई समस्या आती है, कोई अपडेट भी आएगा तो इनकी अपडेट क्लास रहेगी, उसमें भी हमें बुलाने बुलाएंगे। सही अच्छा, रहा आप, मतलब ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं कहूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जैसा मैं सोच के आया था ऐसे ही रहा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। तो ओवरऑल कितने मार्क्स देंगे? 5.5। 5 में से 5 मार्क्स दे रहे हैं कृष्णा, तो थैंक यू तो एक कृष्णा। और हमारे साथ स्टूडेंट हैं हमारे, और जानते हैं स्टूडेंट हमारे पास कहाँ से आए थे, इससे पहले क्या करते थे, और यहाँ आने के बाद क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो क्या नाम है पहले आपका? हेलो भाई, हूँ मेरा नाम अंकित है। मैं यहाँ पे आया था, मैं पहले एक काम करता था यहाँ पे, ये कहाँ पर काम करते थे आप? सुलभ वाली गली में, अच्छा, तो आप कहाँ से, लोकल से हैं, दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली से हूँ। वैसे आप कहाँ, कहीं बाहर से हैं या दिल्ली में ही काम कर रहे थे? दिल्ली से हूँ, वैसे रहता बाहर में, अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं सहजानपुर में रहता हूँ। शाहजहानपुर। तो शाहजहानपुर से आए हैं आप, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका स्क्रीन फिक्सर का? आपको कितने दिन हुए हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे आप? बहुत बढ़िया सिखाया जाता है यहाँ पे, मुझे 24 दिन हुए अभी तक है। अच्छा, जी 24 दिन हुए हैं, और 24 दिन में मैं कहूँ क्या क्या कर लेंगे आप? मैं सिंगल कर लूँगा, डबल डेकर भी कर लूँगा, पेस्टिंग अच्छा, वाली कर लूँगा। कहने का मतलब सिंगल सीपीयू भी कर लेंगे, डबल डेकर सीपीयू भी कर लेंगे, पेस्टेड आईसी भी कर लेंगे। इससे पहले कभी आईसी का काम किया था आपने? नहीं सर, आईसी का कोई भी काम नहीं किया था, चाहे वो नॉर्मल आईसी हो, चाहे वो पेस्टेड आईसी हो, ग्लूड आईसी हो, कोई भी आईसी का काम नहीं किया था आपने। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी आईसी पे काम कर सकते हैं बगैर डरे, जी सर, किसी भी मदरबोर्ड पर काम कर सकते हैं, चाहे जी वो 4G है, 5G है, कोई भी मदरबोर्ड पे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका स्क्रीन फिक्सर का? बढ़िया सिखाया है। बढ़िया सिखाया जाता जी है। तो क्या कहेंगे जो हमारे स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? भैया आप आओ, अच्छा सिखाया जाता है यहाँ पे, सारे टूल हैं, सब बढ़िया एकदम। कितना सर है हमारे, वो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, चार्जिंग से लेके आईसी तक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। अच्छा, तो क्या कितने मार्क्स देंगे आप? 5 में से कितने मार्क्स देंगे स्क्रीन 5 में से 5। फिक्सर? 5 में से 5 मार्क्स देंगे अंकित। एक और थैंक यू। स्टूडेंट स्टूडेंट हमारे साथ हैं, जानते हैं इनसे कहाँ से आए थे और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है स्क्रीन फिक्सर का। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोतीलाल धाकड़ है। मोतीलाल ढाकड़। अच्छा जी, ढाकड़ साहब, फिर क्या करने आए थे आप स्क्रीन फिक्सर में? यहाँ रिपेयरिंग सीखने के लिए आया था, हार्डवेयर का अच्छा काम, अच्छा और मैं कम से कम 5 6 साल से रिपेयरिंग अच्छा कर रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, रिपेयरिंग आप कर रहे थे? रिपेयरिंग कर रहा हूँ, उसमें चार्जिंग जैक, बैटरी चेंज करना है, डिस्प्ले चेंज करना है, ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये सब कर रहे थे। कहने का मतलब है ओवरऑल जो ऊपर ऊपर का काम है वो कर लेते थे, मदरबोर्ड का काम आपने कभी नहीं मदरबोर्ड का किया? काम कभी नहीं किया मैंने, अच्छा, किया कभी किया ही नहीं था। नहीं अभी तक। अच्छा, तो कितने दिन हुए हैं आपको स्क्रीन फिक्सर में? मेरे को यहाँ 26 दिन हो गए। अच्छा, 26 दिन है। तो धाकड़ साहब, 26 दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक जो, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास आना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि हम क्या देते हैं, क्या सिखाते हैं, जो बोलते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं, रहने का कैसा इंतजाम है, यहाँ के टूल्स हैं, टीचर का पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आया था तब फर्स्ट में थोड़ा सा घबराया हुआ था, हाँ, नई मैं जगह पे ऐसा नई लगता जगह पे है, आया था तो थोड़ा सा बिल्कुल। घबराया हुआ था। फिर यहाँ सर से जो मिला, सर ने जैसा बताया सारी सुविधा अच्छी है यहाँ पे, उसके बाद सर अच्छे मिले पढ़ाने वाले। पहले कभी आईसी पे कोई भी काम किए नहीं था मैंने, तो अच्छा, मेरे को क्या कि बोर्ड आते से ही मेरे को ऐसा लग जाता था कि डर अगर लगता डर था, लगता था मन का कि डर। अगर कोई बोर्ड आ जाएगा तो मेरे से रिपेयर नहीं होगा, अच्छा, मैं खाली बस बैटरी वोल्टेज और यही चेक कर लेता था। अब मदरबोर्ड पे कुछ भी काम हो तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि डबल डेगा सीपीयू रिकूलिंग सब कर लेता हूँ टोटल। अच्छा, सब कर रहे हो आप। हाँ, लाइट तो आईसी यहाँ पर आपने कोई ऑन सेट पर भी काम किया है? यहाँ ऑन पर, सेट पे भी काम कर रहा सर। यहाँ पे ऑन सेट पर कभी? मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल लेके आया था, वीवो V29 Pro, ओके, उस पे काम कर रहा था अच्छा, मैं। उस पे काम किया आपने। तो कहने का मतलब है डर निकल गया मन का, हाँ, डर निकल गया। मन का जो डर था मदरबोर्ड पे कैसे काम करना है, कैसे हीट मारनी है, हीट मारने से डेड तो नहीं होगा। वो तो सर ने सब अच्छे से बताया, टेम्परेचर कितना सेट करना है उसके हिसाब से सर ने जो, और सबसे मेन बात तो क्या है कि हाँ सर अच्छे हैं, अच्छा, पढ़ाने पढ़ाने में का तरीका जो है वो अच्छा है कुल मिला के। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छा, बिल्कुल। और जो थोड़ा सा रहने का क्या इंतजाम मिला है आपको, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा लगा है रहने आपको? का भी अच्छा है, और एक तो सर
सर भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो क्या है कि टाइम से टाइम आना और पढ़ाने का और पूछने का मेन तो ये होता है कि एक तो करवा देते हैं फिर पता चलता है कि हुआ कि नहीं हुआ, तो सर क्या क्या टेस्ट लेते थे 2-3 दिन में अच्छे से। अच्छा टेस्ट भी होता है, टेस्ट होता था, उसमें क्लियर हो जाता कि अपन क्या पढ़े हैं, क्या हमने क्या किया है, हम क्या कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे साथ हुआ बहुत। ओके मैं बता रहा हूँ मेरे साथ अच्छा हुआ। बिल्कुल मेरा टेस्ट लिया तो मेरे को लगने लग गया कि मेरे को अब घर पे जाके कॉपी खोल के देखना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि मैं घर पे जाके बुक को हाथ में नहीं लेता था। फिर सर ने 2-3 बार पूछा तो फिर मैंने अब मैं सर को सब बता देता हूँ इसलिए, क्योंकि रात को अच्छा पढ़ाई करके फिर डाउट क्लियर हो जाते हैं, कुछ डाउट होता है तो दूसरे दिन पूछ लेता हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो सर पढ़ाते हैं वो याद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और वो तो क्या कहे याद करने के लिए है, क्योंकि सबकी चीजें रीडिंग मतलब डीसी रीडिंग एम्पियर वोल्टेज जो भी चेक करना है वो याद रहेगा तो ही रिपेयरिंग हो पाएगी। अच्छा अच्छा, तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस मानू मैं आपका, क्या एक्सपीरियंस? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और सर भी अच्छे हैं पढ़ाने में। और आप आ सकते हो यहाँ पे स्किन फिक्सर में, मैं भी इंस्टाग्राम पे ही देख के फॉलो करके ही आया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताया। क्योंकि देखिए आजकल इतने इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको जो सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन जाकर ही पता लगता है वहाँ पर क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं स्क्रीन फिक्सर की गारंटी देता हूँ, जो आपको बोला जाएगा वो 100% मिलेगा। ढाकर साहब से आप पूछ सकते हैं, जो आपको बोला था वही मिला है, वही मिला सर। कोई आपको कुछ किसी भी चीज में कोई कमी लगी हो या किसी भी चीज के बारे में आपको फेक कमिटमेंट किया हो? नहीं सर, बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पे, यहाँ तक रहने तक की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो चलिए ठीक है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे हमें सर? 5 में से 5, पूरा 5 मिलेंगे, 5 में से 5। तो धाकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आपको ट्रेनिंग के लिए आना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमने नंबर दे रखा है, जो भी जानकारी चाहिए आपको हमारी टीम से बात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बैच है हमारा वो 22 जून से है, चाहे वो आईफोन हार्डवेयर के लिए है चाहे वो एंड्रॉयड हार्डवेयर के लिए है, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप आ सकते हैं। और इस बैच के लिए आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा हमने किया है, अगर आप इस बैच में बुकिंग करते हैं 22 जून में, तो आपको क्लास के साथ हार्डवेयर के साथ आईफोन के साथ सारी ट्रेनिंग आपको मिलेंगी, चाहे वो फ्लैट डिस्प्ले का ग्लास हो चाहे वो कर्व डिस्प्ले का ग्लास हो, ये भी आपको ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो एडवांस बुकिंग आपको जरूरी है करानी, बुकिंग आपको करानी है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया है और टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।